देखो जब जदों अरविंद केजरीवाल खुद इल्जाम लोगों ते लगाउंदा सी बिना किसी प्रूफ तो बिना किसी कागज़ तो लोगों को कहिंदा सी रिजाइन कर दो, मैं तुहाडे ते इल्जाम लगा रहा हां, अज मैं सनसनीखेज खुलासा करन जा रहा। यह अरविंद केजरीवाल है जिहड़ा पंजाब जाके कहिंदा सी मैं बादल नूं जाके जेल च बंद कर दूंगा, मैं कसीड़ दे लै जूंगा जेल च, कादे लई? अज उही अरविंद केजरीवाल सब तो वड्डा दिल्ली दे करप्शन का डैन बन चुकिया है। सीएम का दफ्तर करप्शन का डैन आ। अरविंद केजरीवाल के ब्रदर इन लॉ उहदे सांडू को ब्रदर उस दीआं कंपनियां चों करोड़ों रुपए का लैन देन होया, 10 करोड़ रुपया दिल्ली की ट्रेजरी चों कढ़िया गया। अज उस तो वड्डा खुलासा जिहड़ा होया, जिहड़ा असीं बहुत देर तो यह गल कह रहे सी कि शैल कंपनियां दे राहीं अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपया इकट्ठा किया, फिर वो शैल कंपनियां बना के उन्होंने अंदर ट्रांसफर किया और फिर वो कढ़ के अपने पार्टी अकाउंट च लैके गए। 2 50 50 लाख रुपए के चैक आज तो 1.5 साल 2 साल पहले जदों आए, अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे पता नहीं मुझे कौन पैसा देता है, मैं उनकी बैकग्राउंड चैक करने नहीं जाता। लेकिन अज मैं हुणे देख रहा सी जिते इस गल का एलीगेशन लगा कि उन्होंने शैल कंपनियां बनाइया, TV18 न्यूज़ से हुणे मैं देख रहा सी, उन्होंने मौके पर जाके उन्होंने एड्रेसा पर पहुँच के देखा वो कंपनियां नकली ने, उन्होंने परिवार वाले लोग जो उस घर रह रहे मना कर रहे हैं कि इस नाम की कोई कंपनी उत्थे नहीं हैगी। और नरेश यादव शिवचरण गोयल दोवें ही MLA जिन्हें शैल कंपनियां जिहड़े डायरैक्टर ने, जिन्हां के घर वाले डायरैक्टर ने, परिवार के लोग डायरैक्टर ने, वो इस गल का जवाब नहीं दे रहे। स्पष्ट आ अरविंद केजरीवाल ने कई करोड़ रुपए इन्हां शैल कंपनियां दे राहीं धांधली दे राहीं हवाले दे राहीं, जिहड़े 3 लोगों का नाम कलकत्ते दे लोगों का नाम सामने आया सी कुछ दिन पहला, उन्हां दे राहीं यह सारा पैसा ट्रांसफर किया। अज अरविंद केजरीवाल जिहड़े रोज़ TV ते आके लोगों नूं ज्ञान दिया करते सी, मोदी जी नूं की करना चाहिए इहदा ज्ञान दिंदे सी, जेटली जी नूं की करना चाहिए इसका ज्ञान दिंदे सी, टैंकर घोटाले दे मेरे को इन्ने कागज़ उहदा ज्ञान दिंदे सी, लेकिन अज छुप के बिल के अंदर बैठे हुए ने, बाहर नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने पता है कि जिहड़ी उन्होंने चोरी पकड़ी गई आ वह किसी सूरत अंदर बच नहीं सकते। सो असी मंग करते हैं जेकर हवाला कांड के अंदर उस वेले दे दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री मदन लाल खुराना जी का नाम जैन हवाला कांड च एक परची दे नाम लिखिया सी, श्री LK अडवाणी का नाम आया सी, रिजाइन किया सी और नाल ये भी कहा सी कि उदों तक पार्लीमेंट च नहीं वड़ूंगा जदों तक मैनू क्लीन चिट ना मिल जाए। क्या अरविंद केजरीवाल जिहड़े लोगों नू पाठ पढ़ाउंदे सी क्या अज अपनी इस गल ते कायम रहणगे? क्या वह रिजाइन देणगे? क्या वह कहणगे कि जदों तक मेरे उत्ते लगे दोष क्लीयर ना हो जाण उदों तक मैं मुख्यमंत्री दे कार्यालय अंदर सचिवालय च नहीं वड़ूंगा? हालां सानू पूरा यकीन आ अरविंद केजरीवाल कदी ऐसा नहीं करनगे क्योंकि वह धोखेबाज इंसान ने सत्ता ते आउण वास्ते ही सब कुछ किया और सत्ता नू त्यागण दी किसी भी सूरत अंदर तैयार नहीं। पर शिवचरण गोयल, मिस यादव और उन्हां दे सतेंद्र जैन बहुत जल्दी जेल जाणगे। मैं होम मिनिस्टर साहब नू भी बाकी एजेंसियों नू अपील करदा हां अज तुहानू एक्शन लैण दा टाइम आ। इतनी वड्डी करप्शन सामने आ रही आ, इनकम टैक्स दे अंदर जिहड़ियां फाइल कीतियां गईयां रिपोर्ट्स, जिहड़ियां कंपनी डिटेल फाइल कीतियां गईयां गलत ने, अज वो रेजिडेंट्स खुद दस रहे हैं कि साढ़े इत्थे इस नाम की कोई कंपनी नहीं हैगी जिस दे नाम तो पैसा इकट्ठा किया गया। सो बड़ा जरूरी आ कि इहदे ते एक्शन लिया जाए और अरविंद केजरीवाल और उन्होंने साथियों जेल च भेजा जाए। अब संजय सिंह भी आरोप लगाएंगे जो कहते हैं मेरे पास किराए का घर है, जेडे कहते हैं मेरे को किराए का घर आ और विदेश अंदर रशिया अंदर विआह अटेंड कर जाते हैं अपने 2 दोस्तों नाल लैके बिजनेस क्लास टिकट अंदर और वैसे कहते हैं मैं किराए के घर च रहना। जेड़ा इंसान देश के अंदर किन्ने ऐसे लोग ने जेडे रशिया की 3-3 लाख रुपए की बिजनेस क्लास की टिकट लैके जाते हो और अपने दोस्तों भी नाल लेके जाते हो और कहें हूँ मैं किराए के घर च रहना। तो हूँ अज संजय सिंह भी लोगों को ज्ञान देंगे, बड़ी हैरानगी की गल आ। अरविंद केजरीवाल क्यों छुप के बैठे ने? एजेंट कौन किसदा है? ये तो सामने आ जाएगा। क्या अगर कोई BJP का एजेंट भी हो तो क्या उसका ये गल चुकनी? मैं MLA हाँ, मैं श्रोमणी अकाली दल BJP का MLA हाँ, क्या साड़ी ये गल चुकनी नजायज़ आ कि उन्होंने लुट सुट की और रिजाइन दे? केवल एक बहाना है जवाब ना देने का, पर इस जवाब तो अरविंद केजरीवाल तो ज़्यादा दिन बचिया नहीं जाएगा।